अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल एंड फिट एंड फाइन। यहाँ पर जी मैं आप लोग के साथ आज बच्चों के कपड़ों के डिज़ाइन शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो आप लोगों को रेडीमेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन के कपड़े पर ही आप डिज़ाइनिंग करें, बच्चा ग्रेसफुल भी लगेगा, पर्सनैलिटी भी उसकी अच्छी लगेगी और अच्छे मतलब नरम कपड़े भी हों जो ईजिली वो लोग पहन सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये वाला फ्रॉक दिखा देती हूँ। छोटे ये तकरीबन 2 माह से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों के कपड़े हैं जो आप लोग इजीली मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तकरीबन ये 15 से 16 सूट हैं जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल देखना है। चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो। यहाँ पर मैंने लेस ज्वाइन करवाई हुई है इस तरह से साइड पर भी, और ये लेस मैंने आपको बताया बची हुई थी, ये इस तरह से सेट करवाई हुई है। और ये पॉकेट्स हैं साइड्स पे, इसके फ्रिल है। एजल डोंट शाउट। यहाँ पर भी एक एक इस तरह से इसके पत्ते कट करके लगाएं। यहाँ पर जी ये सारी प्लेट्स तली हुई हैं, नीचे लेस लगी हुई है, फ्रॉक की अच्छे से वो बढ़ाई हुई है, क्या कहते हैं फ्रिल। और बैक साइड से भी दिखा, बैक साइड से भी प्लेन। आउटफिट जिसका जी कलर आप देख सकते हैं कितना ही ग्रेसफुल लग रहा है। कलर की चॉइस ना आप लोग बहुत अच्छी किया करें, उसी से बच्चे की पर्सनैलिटी होते हैं। डार्क कलर्स लें, लाइट कलर्स लें, मतलब ऐसे कलर्स लें जो बच्चों पर उठते हों। ये यहाँ पर जी है जी इसका ट्राउज़र और ये कुर्ता बनवाया हुआ है, मतलब चूड़ीदार पजामा टाइप है, ये तंग तंग सा है। और ये है जी इसका इसकी लुक। यहाँ पर जी लगाई है ज्वाइन लेस, थोड़ी चौड़ी किस्म की यहाँ पर लेस लगाई गई है। ये देख सकते हैं कितनी ग्रेसफुल लग रही है। यहाँ पर पाइपिंग करवाई हुई है और यहाँ पर ये चीज़ चेक करें आप कितनी खूबसूरत कट करके इधर डोरी लगवाई है, ये देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों की भी बड़ी कोई अच्छी सी वो हो जाती है। और लास्ट आपको मैंने आपको जो बड़ों बच्चों मतलब बड़ों की ड्रेस की वीडियो शेयर की थी उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। प्लीज़ इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आउटफिट पर चलते हैं। ये थोड़ा सा डार्क कलर है, इसको मैं सेट करती हूँ। तरफ से आ जाते हैं। अगर मैं आपको सारे ऐसे खोल खोल के दिखाऊंगी ना, मतलब ऐसे डिटेल से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ वीडियो भी शॉर्ट बने और आप लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सिंपल सा ट्राउज़र है इसके साथ और ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें। यहाँ पर जी मैंने चौड़ी वाली लेस लाकर इस तरह से मतलब बाजू के साइड्स पर लगाई हुई है और बाजू इस तरह से मतलब कि ऐसे बने हुए, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, ठीक है। और इधर भी इस तरह से पट्टी लगा के, ये इधर भी लेस और इधर आगे भी सारी लेस लगाई और लास्ट में भी। फिनिशिंग चेक करें कितनी ही खूबसूरत लग रही है। इससे लेस लगाने से ये होता है कि फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। बैक साइड से भी दिखा दिया जाए, बैक साइड से वैसे प्लेन है, नीचे वैसे पूरे लेस लगी हुई है, पीछे भी इस तरह से लेस और ये बटन है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रेस पर चलते हैं, इसको सजते हैं साइड पर। नेक्स्ट कलर देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है। ये वाला कलर भी आप लोग देख सकते हैं और इसका डिज़ाइन, ये फूल बाजू हैं और ये स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं और ये पॉकेट है छोटी सी, सिर्फ 2 फिंगर्स की पॉकेट है। ये इस तरह से ओपन फ्रॉक है, ये बटन्स लगा कर इसे मतलब सेट किया हुआ है। इधर से भी सेम ऐसी पॉकेट लगी हुई है और बाजू भी सेम, और ये बटन भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे बटन लगाए हैं जो बच्चों को चुभे ना और वो ज़्यादा खींचने की कोशिश भी ना करें, ख़राब भी ना हो। इस तरह की चीज़ें लगाया करें जो बच्चे ख़राब ना करें। यहाँ पर जो चुनट वाले जी, हम लोगों ने यहाँ पर चुनट डाल कर ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था इसके साथ मैंने प्लेन कपड़े का अटैच किया, ठीक है। ये इधर मतलब प्लेट्स तली हुई हैं, बैक साइड से भी दिखाती हूँ, ये सारी प्लेट्स तली हुई हैं। ये ऊपर पेटी सेम कलर बैक फ्रंट के कलर की है और ट्राउज़र सेम कलर का है और उसके नीचे मैंने फ्रिल बनवाई हुई है। नेक्स्ट आउटफिट पे चलते हैं। ये प्रिंटेड प्रिंट लिया था एजल के लिए, इसके नीचे डार्क कलर का हमने किया क्योंकि इसके अंदर ये जो डार्क क्रीज है ना, इसके साथ इसको थोड़ा सा मतलब खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे फ्रिल लगाई हुई है दोनों साइड्स पे, ट्राउज़र को कहते हैं साइड पे। शर्ट चेक करें आप, इसकी शर्ट कितनी खूबसूरत, इसके जो बाजू है ना वो बड़े हसीन है। ये मैं आपको सेट करके, ये ऐसे इस तरह से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा बाजू के नीचे आएगा और ये ऐसे ऊपर, ठीक है। और ये साइड पे ये लेस है, नीचे कपड़ा है, ऊपर लेस है और ये साइड पे फ्रिल है। दोनों साइड्स पे सेम, दरमियान में प्लेन कपड़ा और साइड्स पे लेस लगाई हुई है। इधर भी थोड़ी सी प्लेट्स तली हुई हैं। फ्रॉक, ज़्यादातर फ्रॉक के आइडियाज़ हैं तो आप ज़रूर कॉपी कीजिएगा।
पीछे तक हमने लाके इसको यहाँ तक ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट ड्रेस पे चलते हैं, ये कलर चेक करें कितना ही खूबसूरत है ये जी। घर में आप अपने जब कपड़े लेकर आते हैं ना, उसके साथ कपड़े बच जाते हैं उसी के साथ फिर उसको थोड़ा सा कर लें ताकि मतलब मदर के और जो डॉटर है उनके ड्रेसेस सेम सेम हो जाए। सबसे पहले मैं इसका फ्रॉक दिखाती हूँ। ये फ्रॉक ये हाथ से किया हुआ है, प्लेट्स डाल के उसके ऊपर ये छोटे छोटे से पर्ल्स लगाए हुए हैं। शायद आपको कैमरे में थोड़ा प्रोमिनेंट ना हो, ये छोटे छोटे से पर्ल्स हैं इस तरह से। जिक लैग में इन्होंने मतलब प्लेट्स डाली हुई हैं, इधर लेस लगाई हुई है गले पे, बाजू वही फूल बाजू लगाए हुए और आगे प्रिंटेड पट्टी लगाई हुई है दोनों साइड्स पे। नीचे यहाँ पर जी पट्टी बनाकर लगाई हुई है इसके नीचे, मतलब वो नहीं होता वाइट वाइट सा प्रेस बुकरम, उसके ऊपर पट्टी अटैच करके दोनों साइड्स पे लेस लगाई हुई है और बीच में बटरफ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये बिल्कुल सिंपल सा ये है, छोटा सा, ये मेरी छोटी भतीजी का है। ये इस तरह से मतलब खुले खुले से कपड़े, थोड़े बच्चा इजी रह सके, ये इस तरह से, ये मतलब कहीं आए गए पे भी आप लोग पहना सकते हैं, घर में भी बच्चों को पहनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लैक, ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है मुझे इसका एजल का ड्रेस। ये जी वर्क करवाया गया है, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये धागे की सारा काम हुआ है, दरमियान में बटन लगाए हुए और ये रुई जो डिज़ाइन है बुनने वाला होता है ना उसके ये पल्स बनाए हुए हैं। नीचे भी इस तरह से काम कराया हुआ, नीचे लैस लगाई हुई है, पोंचों पे भी काम हुआ हुआ है धागे का। इसको भी आप साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट रेड, ये बड़ा ही डिसेंट सा है ये वाला, आप देख सकते हैं ये इसका पजामा है। और यहाँ पर जी ये है इस तरह से, यहाँ पर जी इस तरह से कढ़ाई हुई है, यहाँ पर भी कढ़ाई हुई, ये फ्लावर्स कढ़ाई कराई हुई है, बल्कि वो जो हाथ की नहीं होती मतलब धागे की कढ़ाई उससे, और नीचे ये फ्रिल बनाकर लगाई हुई है, मतलब फ्रिल्स मींस के प्लेट्स डाल के इस तरह से ज्वाइन किया, ये आप देख सकते हैं। अगर इसकी पिक्चर मेरे पास हेजल की पड़ी हो तो मैं ज़रूर फ्रंट पे ऐड कर दूँगी। इसके साथ टाइट्स ली हुई हैं, ये फ्रॉक है, ये यहाँ पर जी इसकी छोटी सी फ्रिल बनाई हुई है, यहाँ बड़ी फ्रिल बनाई हुई है, बाजू के आगे चुनट डाली हुई है, मतलब लास्टिक वाला है ये। इस तरह से भी दो इधर वो पट्टियाँ बनाकर लगाई हुई हैं, बैक साइड पे भी पट्टी ऐसे बनाकर, बच्चों की मतलब फिटिंग के लिहाज से भी आप लोग एडजस्ट कर मतलब किया जा सकता है। नेक्स्ट ये नाइट ड्रेसेस भी कहला सकते हैं आप लोग, नाइट में भी इन्हें पहनाया जा सकता है। सिंपल से हैं तो आप इस तरह से इनको बटन लगवाए हुए हैं और इसको ओपन शर्ट की तरह बनाए हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये मतलब जो होते हैं लेसेस वाले, इनसे ज़रा बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं, एसी में लेटना होता है, तो बस आप लोग इस तरह से नाइट ड्रेसेस भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट ये बड़ा ही खूबसूरत है, कलर भी आप लोग देख सकते हैं, ये इसका ट्राउज़र है, ये धागे का वर्क किया हुआ है, इस पर आप लोग यहाँ पर पिक्चर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जी बाजुओं के आगे भी फ्रिल बनाई हुई है, गले पे भी फ्रिल है, साइड्स पे भी फ्रिल है, ये प्लेट्स हैं और बैक साइड पे बटन्स हैं। नेक्स्ट ये रोम्पर है, रोम्पर के इधर वर्क करवाया हुआ है, रोम्पर्स भी बच्चों के बड़े ही पहने हुए अच्छे लगते हैं, और इधर से ये ऐसे करके, ठीक है, ये बटन्स हैं नीचे, ये मतलब इसके साथ ही पजामी भी अटैच है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाइट कलर का है, ये पजामी है इसकी और ये है वाइट, और ये भी मतलब ना धागे की कढ़ाई की हुई, ये बच्चों को चुभती भी नहीं है और बड़ी ही डिसेंट सी लगती है। और ये एजल ने यहाँ पे गंदा किया हुआ है, इसको वाइट करें। ये यहाँ पे फ्रिल है, यहाँ पे पट्टी के अटैचमेंट की हुई है ताकि थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा हो सके, कलर थोड़े डिफरेंट हो सके। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं, ये सेकेंड लास्ट ड्रेस है, प्रिंटेड सूट था जिसका कपड़ा नीचे हम लोगों ने इसके साथ अटैच करके, ये खुला ट्राउज़र टाइप है, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से ओपन करके दिखाती हूँ, ये इधर से प्लेट्स तल के ना इस तरह से हुआ हुआ है। अब जी हम आ जाते हैं इसकी शर्ट की तरफ, शर्ट पे भी इस तरह से प्लेन कपड़ा है, पट्टी लगाई हुई है आगे से मतलब इसके साथ की, और ये भी खुला ओपन वो है, यहाँ पर प्लेट्स तली हुई है बारीक वाली, और ये इस तरह से फिटिंग में फ्रॉक है। नेक्स्ट लास्ट और ब्लैक कलर ये देख सकते हैं, ये इस तरह से भी आप कुर्ता बनाया जा सकता है। ये देखें, प्लेन कपड़ा लें, दरमियान में सीडी लेस लगाएं, इस तरह से पट्टी बनाकर लगा लें और साथ प्लेन ट्राउज़र। ये सारे ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं
और बहुत मुश्किल से मैंने मतलब काफ़ी दिनों से प्रेस करके भाभी ने रखे हैं, और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने आज बनाया। आपको पता है ईद में इतने मसरूफ़ थे जिसकी कोई हद नहीं, ईद गुजरी है। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसके साथ इन ड्रेसेस का पार्ट टू भी लेकर आऊँगी, क्योंकि उनके और भी ड्रेसेस स्टिच होकर आए हैं जो अभी मतलब आए हैं, वो तो मैंने कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो पार्ट टू में दिखाऊँगी। वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही हसीन है। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट दोबारा करती हूँ, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपना फीडबैक शेयर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उनको शेयर कीजिएगा जिनके बच्चे हैं, ताकि वो लोग फ़ायदा उठा सकें, इस तरह से कपड़े लाकर वो बना सकें। इतने एक्सपेंसिव लेने के बाद भी बच्चे उसमें अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आप इस तरह से ड्रेसेस ले सकते हैं, इन्हें घर में बनाकर इजीली इन्हें पहनाया जा सकता है, खूबसूरत सी लुक आ सकती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।